today I'm going to speak to you about an important topic. मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बताऊंगा. Because the word of God will help us and bless us. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी मदद करेगा, हमें आशीर्वादित करेगा. In whatever situation we are. चाहे हम किसी भी हालत में क्यों ना हों. If you don't know what the word of God says in a certain situation. यदि आप नहीं जानते हैं कि इस हालात में प्रभु का वचन क्या कहता है. The devil can defeat us. तो फिर शैतान हमें हरा सकता है. It's the word of God that gives us victory. परमेश्वर का वचन हमें विजय देता है. Amen. Amen. Whatever situation comes against you. चाहे कोई भी हालात आपके विरोध में क्यों ना आए. We must stand by the word of God. हमें प्रभु के वचन पे ठहरना चाहिए. Not carried away by external things. बाहरी बातों को देखकर हमें बहकर नहीं निकलना चाहिए. Or emotions. या भावनाओं के आसारे. Or based on what people or the way the people react. या लोग क्या कहते हैं या लोग किस तरह से प्रतिसाद देते हैं. Our response is based on the word of God. हमारा प्रतिसाद प्रभु के वचन के हिसाब से होना चाहिए. Amen. Amen. Okay. Though I won't be able to finish off. मैं पूरा संदेश नहीं दे पाऊंगा. I may continue. मैं on Sundays. मैं रविवार को जारी रखूंगा यही विषय. What does the Bible say about death? बाइबल मृत्यु के बारे में क्या कहती है? You know, we all want to go to heaven. हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं. And the way we go to heaven is by death. और हम केवल मृत्यु के द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं. Amen. Amen. There's one more option. और एक तरीका है. By the way of the rapture. या स्वर्ग रोहण के द्वारा हम स्वर्ग चले जाएं. Amen. Amen. Now people want to go to heaven but they don't want to die. लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं पर मरना नहीं चाहते. Hello. Isn't it? सही है. Huh? We want to go to heaven. हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं. But we don't want to die. पर हम मरना नहीं चाहते. How is that possible? ये कैसे मुमकिन है? By the way of death we go to eternal life. और मरने के द्वारा ही हम सनातन काल जीवन में प्रवेश करते हैं. Or we go to heaven. या स्वर्ग जाते हैं. Amen. Amen. So we want to go to heaven and enjoy. इसलिए हम स्वर्ग जाकर आनंद मनाना चाहते हैं. But we don't accept death. पर हम मृत्यु को स्वीकारते नहीं हैं. But we must know that's the way to heaven. पर हमें जानना चाहिए कि स्वर्ग जाने का मार्ग वही है. See the way people have brought the word death. और जिस तरह से लोगों ने मृत्यु ये शब्द को समझा है. I know it is grieving or very high grief. मैं जानता हूँ कि जब हम मृत्यु के बारे में सुनते हैं तो हमें मन बहुत दुख से भर जाता है. But according to the Bible, it is different. पर बाइबल के अनुसार मृत्यु बहुत ही अलग है. Amen. Amen. We must stand a testimony. हमें एक साक्षी के तौर पे खड़ा रहना चाहिए. In anything and everything that happens for us. चाहे हमारे लिए कुछ भी क्यों ना हो, हर एक बात में हमें गवाही बन के रहना चाहिए. Let me go quickly. तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा. Because you know, there are many areas Christians, I don't know whether they know or not, they respond differently. मैं जानता हूँ बहुत सारे भागों में मसीह लोगों का प्रतिसाद वचन से बहुत ही अलग होता है. We are here to show heaven life, heaven culture. हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम स्वर्ग के जीवन को, स्वर्ग की परंपरा People को दिखा सके. People will never know unless they look at us and the way we respond. लोगों को तब तक स्वर्ग नहीं समझ में आएगा तब जब तक लोग हमें नहीं देखते. Amen. Amen. So let us know this. इसलिए आइए इस विषय के बारे में समझें. So, death is the way to heaven. और मृत्यु स्वर्ग जाने का तरीका है विश्वासियों के लिए. And death is the way to hell for unbelievers. और अविश्वासियों के लिए मृत्यु उन्हें नर्क ले जाती है. Is the door to heaven? ये स्वर्ग के लिए द्वार है. Or the door to hell? या मरने या नर्क के लिए द्वार है. Amen. Amen. It's just the door. ये केवल एक दरवाजा है. It's just the entry. ये केवल प्रवेश है. Into that eternal life. उस सनातन काल के जीवन में. Death is nothing but a separation. मृत्यु केवल अलगाव है. Separation unto heaven. स्वर्ग के लिए अलग होना. Or separation unto hell. या नर्क के लिए अलग होना. Amen. Amen. So don't take it very, what do you call in a different way about death. और मृत्यु को गलत मत समझिए. So you want to go to heaven and the way to heaven is the by the way of death. इसलिए यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग जाने का मार्ग केवल मृत्यु है. Amen. Amen. हमको स्वर्ग जाने का मगर मरने का नहीं, ये गलत है. अगर स्वर्ग जाने का तो मरने पड़ेगा. Amen. Amen. और उन लोग को नरक जाने के लिए मरने पड़ेगा. तो फर्क इतना है कि किसका वे अच्छा है. The one who is going to heaven. जो स्वर्ग जा रहा है उसका. Or the one is going to hell. या जो नरक जा रहा है. Because these are two eternal destinations. क्योंकि ये केवल दो ही सनातन काल के मंजिलें हैं. There is no third one.
तीसरी और कोई मंजिल so नहीं either you go joyfully, इसलिए या तो आप खुशी से जाइए or you go fearfully. या डर से आप मर के नर्क जाएंगे Amen. Amen. It's the lack of right knowledge. हमारे पास वचन का ज्ञान कम है that Christians respond the way the unbelievers respond. इसीलिए जैसे अविश्वासु मृत्यु को प्रतिसाद देते हैं वैसे ही विश्वासु भी मृत्यु के लिए प्रतिसाद देते हैं. I'm not against grieving. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दुख मत मनाइए. But Christians grieve differently. पर मसीहों को अलग तरीके से दुख मनाना चाहिए. With hope. आशा के साथ. They grieve without hope. जो अविश्वासु है वो बगैर आशा के साथ शोक मनाते हैं. Amen. Amen. So, even Paul says that. यही तो पौलुस कहता है. He doesn't say don't grieve. वो नहीं कहता है कि शोक मत but करो. Grieve. हाँ शोक मनाइए दुख कीजिए. Having hope. पर मन में आशा रखिए. We know the truth. हम सच्चाई जानते Amen. हैं. Amen. Amen. So, let us get the word of God clear. आइए प्रभु के वचन को अच्छे से समझें. You know why I'm touching this topic is this. मैं क्यों ये विषय बता रहा हूँ? Though I won't be able to teach you why some Christians die before time. मैं नहीं आपको बता पाऊंगा कि क्यों कुछ मसीह लोग समय के पहले मर जाते Not हैं. Now. I'll अभी नहीं बताऊंगा. Teach you some time else. कभी और आपको ये विषय के बारे में बताऊंगा. But how when a Christian dies? पर फिर भी जब एक मसीह मरता death है. Death is the door to heaven. तो उनके लिए मरना स्वर्ग के लिए दरवाजा है. We all want to go to heaven. हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं. But we don't want death. पर हम मरना नहीं चाहते. That is wrong. ये गलत है. Now what happens here is when the unbeliever becomes a believer. जब एक अविश्वासु विश्वासु बनता है. And maybe see they all come with different problems. वो अलग-अलग तकलीफें लेकर प्रभु के पास आते हैं. And then they are healed. और फिर उन्हें आरोग्य मिलता है. Or later on they don't grow in faith. या आगे चलकर वो विश्वास में नहीं बढ़ते. Or whatever is the reason. या चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो. When they leave this world. जब वो इस जगत को छोड़कर जाते हैं. The devil uses this opportunity. तो शैतान इस मौके का अवसर उठाता है. To mock us. ताकि वो हमारी निंदा कर सके हमारा मजाक उड़ा सके टू ड्रॉ यू अवे फ्रॉम फेथ आपको विश्वास से चुरा सके टू मेक यू टू ग्रीव ताकि आप इतना शोक मनाएं मोर देन यू मस्ट ग्रीव जितना हमें दुख करना चाहिए उससे ज्यादा वो चाहता है कि हम दुख करें When you know, I'll tell you, I'll teach you what Holy Spirit told me about grief. और पवित्र आत्मा ने शोक के बारे में मुझे क्या बताया? What happens when you grieve beyond? जब आप हद से ज़्यादा शोक मनाते हैं तो क्या होता है? You know, you don't show you have trust in God. आप ये दिखाते हैं कि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है. नहीं है. जो continuously grieve करता है, कौन सा भी बात के लिए, actually प्रभु के सामने ये बताता है, मुझको तुझ पे विश्वास नहीं है. It's very clear. ये बहुत ही साफ That's है। the way heaven treats. और स्वर्ग इसी तरह से बात को समझता See, you must know the things of heaven. आपको स्वर्ग की बातें समझनी चाहिए। It is okay to grieve. शोक मनाना ठीक है। But if you continuously be there, पर आप लगातार बहुत समय तक शोक मना रहे हैं। You are losing faith. तो आप अपने विश्वास को धीरे धीरे खोते हैं। And the devil can attack you. और फिर शैतान आप पर हमला कर सकता है Amen. Hello. Amen. You must tell this to Christians. ये बात आपको मसीहों को बताना चाहिए The devil mocks. शैतान हमारा मजाक उड़ाता है. He will say. वो कहेगा. See that person, why he died, you know? तुम जानते हो कि वो व्यक्ति क्यों मरा? Because he accepted Jesus. क्योंकि उसने यीशु को स्वीकारा. That's a curse of my God. और ये तो मेरे परमेश्वर के लिए श्राप वाली बात है. If they had not come to Jesus, they would have not died. ये मानो तो ऐसा है कि यदि वो यीशु को नहीं स्वीकारते, तो वो कभी मरते ही नहीं. कभी मरते नहीं, हमेशा रहते. ऐसा नहीं. तुम कोई भी हो, मरने वाला ही है. I know there are some leaders who teach that we will not die. मैं जानता हूँ कि कुछ अगुए ऐसे सिखाते हैं कि हम नहीं मरेंगे. But death, because these people don't know the meaning. क्योंकि ये लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं. Death is the way to eternal life, or death is the way to eternal death. और मृत्यु के ही द्वारा या तो हम सनातन काल के जीवन में प्रवेश करेंगे या सनातन काल के विनाश में. It's a door to heaven. ये स्वर्ग जाने का दरवाजा है. Amen. Amen. Or it's a door to hell. That's all. जाने का दरवाजा है. Death is a separation. मृत्यु एक अलगाव है. Amen. Amen. So it's a way. It's a way. ये एक मार्ग है, एक रास्ता है. Without death, you cannot go. बगैर मृत्यु के आप न स्वर्ग जा पाएंगे न नर्क जा पाएंगे. Only one way that you can go without death is the way of the rapture. But that is also a type of death. और मृत्यु को छोड़ केवल एक ही तरीका है जिससे आप स्वर्ग में जा सकते हैं, वो है स्वर्ग रोहण. पर देखा जाए तो स्वर्ग रोहण भी एक तरीके की मृत्यु है. Because death is exiting or moving from this place.
क्योंकि मृत्यु का मतलब है कि इस धरती को छोड़कर आगे बढ़ना. So rapture also is a type of death. तो इसीलिए स्वर्गरोहण भी एक तरह की मृत्यु है. Amen. Amen. Leaving this place and going to another. जहाँ पर इस दुनिया को छोड़कर हम दूसरी दुनिया में so जाते हैं. Whatever it is. तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो. Death is the door. ऐसे या वैसे मृत्यु एक दरवाजा है. Amen. Amen. वो माइंड में डालो तुम्हारा और वो बेसिस पे रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो. अदरवाइज द डेविल विल इन्फ्लुएंस थ्रू अदर्स सेइंग सी ये कर्स है एंड यू सो लोगों को लगेगा कि प्रभु के पास आना फिर श्राप है. इसके लिए तुमको पनिशमेंट मिला, श्राप मिला. अगर नहीं जाता था ना नहीं मरता था. उसका हाल ऐसा. यू मस्ट स्टैंड For faith. आपको विश्वास के लिए खड़े रहना चाहिए. Amen. Okay. Amen. Let's go very fast because आइए हम there are many things I want to say. बहुत सारी बातें हैं जो बोलनी हैं. First. सबसे पहले. I'll just tick marks so that I'll know that I've given this. Okay. जो भी मैं कह रहा हूँ मैं टिक मार्क करूंगा ताकि मुझे समझ में आए मैंने आपको. The Bible presents death as separation. और बाइबल बताती है कि मृत्यु एक अलगाव है. Physical death is the separation of the soul from the body. शारीरिक मृत्यु हमारे प्राण हमारे हमारे शरीर से अलग होता है. Spiritual death. आत्मिक मृत्यु is the separation of the soul from God. आत्मिक मृत्यु में हमारा प्राण परमेश्वर से अलग हो जाता है. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? There is two. Physical and spiritual. दो मृत्यु है, एक शारीरिक है, एक आत्मिक है. But actually there is three. पर तीन मृत्यु है. Because spiritual death will also lead us to eternal death. क्योंकि जो आत्मिक मृत्यु है, वो हमें सनातन काल की मृत्यु तक लेकर जाएगा. So in that sense it is three. तो उस मायने में तो तीन मृत्यु. So did you understand till here? क्या आपको ये समझ में आया? Physical death is a separation of the soul. Soul means my personality, that is I. From my body. और शारीरिक मृत्यु का मतलब है कि मेरा प्राण या मैं खुद इस शरीर से अलग होता हूँ. Spiritual death is separation of the soul from God. और आत्मिक मृत्यु का मतलब है जहाँ पे हमारा प्राण परमेश्वर से अलग हो जाता है. That means we will be eternally separated from God. इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे. Okay, second. और दूसरा. How did death come? मृत्यु कैसे आई? Death is the result of sin. और पाप के कारण मृत्यु आई. Romans 6:23, the first part says. और रोमियों की किताब 6:23 के पहले भाग में लिखा है. The wages of sin is death. कि मृत्यु की मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है. And this message I gave in here or Pune? Pune I gave. और ये संदेश मैंने पुणे की कलीसिया में दिया है. Wages of sin is death. Here I gave. Okay, okay. So that I've given. Okay. तो ये संदेश मैंने दिया Third. है. तीसरा. The whole world is subject to death. और पूरी दुनिया आज मृत्यु के अधीन है. Because all have sinned. क्योंकि सभी ने पाप किया है. The wages of sin is death. हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है. Since all have sinned. क्योंकि सभी ने पाप किया है. So all are subject to death. तो इसलिए हर एक व्यक्ति मरेगा. So remember, death is not annihilation or non-existence. Death is a separation. इसलिए समझिए कि मृत्यु का मतलब हमारा अस्तित्व नहीं मिट जाता है, पर मृत्यु का मतलब है कि हम अलग किए जाते हैं. Amen. Amen. It's not non-existence. ये ऐसे नहीं कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है. I'll come there also. मैं वो भी चीज़ आपको बताऊँगा. Romans 5:12. रोमियों की किताब 5:12. By one man sin entered the world. कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप ने इस दुनिया में प्रवेश किया. And who is that one man? और वो एक व्यक्ति कौन है? Our first parents, that is Adam. हमारे पहला जो पिता था आदम. And death by sin. और पाप के द्वारा मृत्यु आई. Okay. And death passed upon all. और इसीलिए मृत्यु हर एक व्यक्ति पर आई. Why? क्यों? For all have sinned. क्योंकि सभी ने पाप किया है. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? Next point. अगला मुद्दा. In Genesis 2:17 we see. उत्पत्ति 2:17 में हम देखते हैं. The Lord warned Adam. कि प्रभु ने आदम को चेतावनी दी. That the penalty of sin or disobedience would be death. कि यदि तुम पाप करोगे या आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उसकी मजदूरी मृत्यु है. He said very clearly. परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा. You will surely die. कि यदि तू पाप करेगा तो तू यकीनन मरेगा. But the devil said no. पर शैतान ने कहा नहीं. Wanting to put doubt. वो चाहता था कि वो परमेश्वर की बातों पर शक करे. Remember. याद रखिए. It's not only ignorance of the word. परमेश्वर के वचन से अनजान होना ही नहीं. That will cause you to perish. जिसके द्वारा आप विनाश आपका विनाश होगा. But also those who know the word. पर जो लोग वचन जानते हैं. The devil will try to put doubt on the word that you know. और जो वचन आप जानते हैं शैतान कोशिश करेगा कि उस वचन को लेकर आपके मन में शंका पैदा करे. Amen. So here
The first category is those who don't know the word. तो एक ऐसा दल है जहाँ पे लोग वचन जानते ही नहीं हैं. They will perish. उनका भी नाश होगा. They will suffer. वो पीड़ाएँ भोगेंगे. There will be problems. उनके जीवन में तकलीफें होंगी. And the devil will attack all those things. और शैतान उन पर हमला करेगा. The second category. और दूसरे दल के लोग हैं. Is those who know the word. जो लोग प्रभु का वचन जानते हैं. It doesn't end there. वहाँ पर बात खत्म नहीं होती. Where even when you know the word. जहाँ पर आप वचन जानते भी हैं. The devil will see that he puts doubt. On the word that you know. और शैतान कोशिश करेगा कि जो आप वचन जानते हैं उसको लेकर आपके मन में शंका पैदा करे. इसके लिए बहुत लोगों के पास वचन रहकर भी उनको उसके ऊपर फेथ नहीं है. क्यों? डेविल डाउट डालता है. And it's the same as if you don't know the word. और ये तो ऐसा ही हो गया मानो आपको वचन पता ही नहीं है. What is the use of knowing the word? वचन जानने का फिर क्या मतलब? When you don't believe the word. जहाँ पर आप जानने के बाद भी वचन पर विश्वास नहीं करते. It's the same as you don't know the word. ये तो ऐसा ही है जैसे आपको वचन पता ही ना हो. Hello, did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? Okay, let's go further. आइए हम आगे बढ़ें. That's a different teaching. और वो अलग शिक्षा है. When Adam disobeyed. जब आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया. He experienced immediate spiritual death. तो जिस क्षण उसने पाप किया तुरंत उसकी आत्मिक मृत्यु हुई. That's the first death that came upon mankind. और ये सबसे पहली मृत्यु है जो इंसान पर आई. What is that? वो क्या है? Spiritual death. आत्मिक मृत्यु. Separated from God. जहाँ पे वो परमेश्वर से अलग हुआ. And that is the one reason God had to remove them from paradise. और यही एक कारण है जहाँ पे परमेश्वर ने इंसान को सुखलोक से बाहर निकाला. The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाला. परमेश्वर के स्थान से बाहर निकाला. Yeah, okay. Let's go. So that Genesis 3:8 says. और उत्पत्ति 3:8 में लिखा है. Immediately spiritual death came. कि तुरंत ही आत्मिक मृत्यु आदम पर आई. And we see what happened when spiritual death came. और हम जानते हैं क्या हुआ जब आत्मिक मृत्यु आई. The moment spiritual death came. जिस पल आदम पर आत्मिक मृत्यु आई. They ran away from God. तो वो परमेश्वर से दूर भागने लगा. They hid from God. वो परमेश्वर से छिपने लगा. Because spiritual death means separation. क्योंकि आत्मिक मृत्यु का मतलब है अलगाव. Separation means you run away from God. अलगाव का मतलब है कि आप परमेश्वर से दूर भागते हैं. You stay separate from God. आप परमेश्वर से अलग रहते हैं. So their first reaction was. तो उनका सबसे पहला बर्ताव ये था. Before they had sinned. पाप करने से पहले. They would come running. वो दौड़कर परमेश्वर के पास जाते. Because God would come personally there. क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से उनसे मिलने आते. And he would talk to them. और उनसे बात करते. But the moment they sinned. पर जिस पल उन्होंने पाप किया. Sin separated them. तो पाप ने उन्हें अलग कर दिया. And they ran away from God. और वो परमेश्वर से दूर भागने लगे. Did God run? क्या परमेश्वर उनसे दूर भागा? नहीं. God was in the same place. परमेश्वर उसी जगह थे. He had come there. परमेश्वर उनसे तब भी मिलने आए थे. But they were separated. पर वो परमेश्वर से अलग हुए. Amen. Amen. So they ran away and they hid from God. इसलिए वो परमेश्वर से दूर भागकर छिपने लगे. Later in Genesis 5:5. और आगे चल के उत्पत्ति 5:5 में हम पढ़ते हैं. Adam experienced physical death. कि फिर आदम की शारीरिक मृत्यु हुई. So we see these two death. तो हम ये दो मृत्यु देखते हैं. Spiritual. आत्मिक मृत्यु. Which brought in physical death. और उसी के द्वारा शारीरिक मृत्यु भी आई. Okay. Next point. अगला मुद्दा. On the cross, Jesus also experienced physical death. और क्रूस पर यीशु पर भी शारीरिक मृत्यु आई. In Matthew 27:30. हम पढ़ते हैं मत्ती 27:30. What is the difference? इसमें फर्क क्या है? The difference is that. फर्क ये है. Adam died because he was a sinner. आदम इसलिए मरा क्योंकि वो पापी था. And Jesus who had never sinned. और यीशु जिसने कभी पाप नहीं किया. He chose to take that place of death or chose to die. उन्होंने खुद चुना कि मैं मरूं. As a substitute for mankind. इंसान की जगह पर यीशु ने खुद चुना कि मेरी मृत्यु हो. But then Jesus showed his power. पर फिर आगे चल के यीशु ने अपना सामर्थ्य दिखाया. Over death and sin. मृत्यु और पाप पर अपना सामर्थ्य दिखाया. By rising from the dead. जब वो मृतकों में से जी उठा. On the third day. तीसरे दिन पे. Amen. Amen. Okay, next point. अगला मुद्दा. Now because of Christ's death. और मसीह के मृत्यु के कारण and resurrection, उसके पुनरुत्थान के कारण it defeated the enemy. उसने शत्रु को हरा दिया. In 1 Corinthians 15:55. 1 Corinthians 15:55. O death, where is thy sting? कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? The sting is removed by Jesus. और वो डंक यीशु ने निकाल दिया है. O grave, ओ हे कब्र, where is thy victory? अब तेरी विजय कहाँ है? You cannot hold. अब तो किसी को पकड़ नहीं सकता. Amen. Amen. Okay, so because of Jesus. We are victors. और यीशु के कारण आज हम विजेता हैं. One mystery I want to tell you. और एक रहस्य की बात. I don't know whether should I tell or not. एक रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. Little bit I'll tell you. थोड़ा बताऊँगा. No, because Jesus rose. क्योंकि यीशु जी उठे. So all are going to rise. इसलिए हम सभी जी उठेंगे. Not only believers. केवल विश्वासु ही नहीं. But even unbelievers. पर अविश्वासु भी.
one towards eternal life in heaven. कुछ लोग हैं जो सनातन काल के लिए स्वर्ग में जिएंगे. And one to eternal death, that is hell. और कुछ लोग सनातन काल के लिए जिएंगे जो नरक जाएंगे. Okay. Now, next point. और अगला मुद्दा. For the unsaved. जिनका उद्धार नहीं हुआ है. Death brings to an end the chance to accept God's gracious offer of salvation. और जो अविश्वासु है उनके लिए मृत्यु का मतलब है उनके पास अब कोई मौका ही नहीं बचता कि वो उद्धार पाए या प्रभु की कृपा को समझ पाए. Amen. Amen. It ends the chance to accept the gracious offer of salvation. और मृत्यु के द्वारा अविश्वासियों के लिए हर मौका खत्म हो जाता है कि वो कृपा से उद्धार को पा सके. Forever. हमेशा के लिए. Amen. Amen. The gracious offer of the free gift of salvation remains till the last breath of his life. जो उद्धार का मुफ्त दान परमेश्वर कृपा से देता है वो इंसान के आखिरी श्वास तक ही उनके लिए रहता है. But when that person doesn't accept it, पर जब वो उस श्वास में भी परमेश्वर को नहीं स्वीकारता, he will never get a chance to receive forgiveness. तो मरने के बाद उसे कभी एक भी मौका नहीं मिलेगा कि वो क्षमा पाए. Hebrews 9:27 says, इब्रानी की किताब 9:27 में लिखा है, it is appointed. Death is an appointment. कि मृत्यु ठानी गई है. Unto men, once to die means to die once, only once. और इंसान के लिए ठाना गया है कि हर इंसान एक बार मरे, केवल एक ही बार. Only one physical birth. केवल एक ही शारीरिक जन्म है. And one physical death. और एक ही मृत्यु भी है. Amen. Amen. There is no thought in the Bible regarding reincarnation. और बाइबल में पुनर्जन्म को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है. I will come to that point. और वो भी मुद्दा मैं आपको बताऊंगा. Why I'm telling you so quickly? Because if I don't complete that, then it will remain. जल्दी जल्दी मुद्दे आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फिर कुछ बातें रह जाएंगी. So for the saved people, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, death ushers us into the presence of Christ. मृत्यु हमें मसीह की उपस्थिति में लेकर जाता है. That's under the new covenant. और ये नए करार में है. It was not that way in the old. और पुराने करार में ऐसा नहीं था. They were waiting in a place. और पुराने करार में जब लोग मरते तो वे एक स्थान में रुके रहते थे. This message in depth some years back. और ये संदेश कुछ साल पहले गहराई में मैंने आपको दिया था. So they were waiting in a place. तो जो पुराने करार के संत हैं वो एक स्थान में रुके थे. Called Abraham's bosom. और जिसे अब्राहम की गोद कहा जाता है. Till Jesus finished his work. जब तक यीशु ने अपना काम पूरा किया. And he emptied it. और उस स्थान को खाली किया. Took them to heaven. वहाँ पे जो भी संत रुके थे इंतजार कर रहे थे उन सभी संतों को यीशु स्वर्ग लेकर गया. So that compartment is closed. तो अब वो जो जगह है वो अब बंद है. Amen. वहाँ पर कोई नहीं जाता. But the other part is open. पर जो दूसरा है जो स्वर्ग है वो हमारे लिए खुला that है. Other part of hell. और जो दूसरा भाग है वो है नर्क. That is open. वो अभी भी खुला है. Okay. That's a different. I explained to you very deeply some years back. और बहुत साल पहले मैंने ये गहराई में संदेश दिया था. Okay. 2 Corinthians 5:8 says, और 2 कुरिन्थियंस 5:8 में लिखा है, to be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर में नहीं रहने का मतलब है प्रभु के सामने उपस्थित रहना. Death is to be absent from the body. और मृत्यु का मतलब है कि जहां हम शरीर में उपस्थित नहीं हैं. That's why I told you in the beginning. इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा. See, I am preparing all of you. मैं आप सभी को तैयार कर रहा हूँ. Because this tragedy will happen to everyone. क्योंकि ये दुख तो सब पर आएगा. Amen. Amen. I am not saying don't grieve. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दुख मत मनाइए. But I'll tell you what Holy Spirit said about grief. पर दुख या शोक को लेकर पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बताया? Otherwise, Satan can take advantage. नहीं तो शैतान फिर गलत फायदा उठाएगा. Satan takes advantage when you don't know the word. जब आप वचन नहीं जानते हैं, तो शैतान फिर आपका गलत फायदा उठाता है. Amen. Amen. He takes advantage when you don't know the word. जब आप वचन नहीं जानते हैं, तो शैतान इस बात का गलत फायदा उठाता है. Even for believers, those who know the word. और विश्वासों जो वचन जानते हैं. There is a fight of faith. वहाँ पर भी हमारे लिए विश्वास की लड़ाई है. Which is good fight. जो अच्छी लड़ाई है. Because Satan will try to put doubt on what you believe. क्योंकि जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं, शैतान चाहेगा कि आप उन बातों पर शंका करें. Amen. Amen. So to be absent from the body, the moment you leave your body, you are present with the Lord. और जिस पल आप इस शरीर को छोड़ देते हैं, उसी पल आप प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं. Amen. Amen. इधर निकला कि उधर आ गया. Absent here, present in यहाँ पर आप नहीं हैं, आप परमेश्वर के सामने हाजिर हो जाते हैं. Amen. Amen. Death is being absent here. और मृत्यु का मतलब है जहाँ पे आप यहाँ. And present in heaven. यहाँ पर आपकी उपस्थिति नहीं होती है, और आपकी हाजिरी परमेश्वर के सामने होती है. That is why, you know, this is so true. And so real. और देखिए ये बात इतनी सच्ची और इतनी असली है. That the promise of resurrection for Christians who die is called sleep.
और इसीलिए मसीह लोग जो मरते हैं उनके लिए जो पुनरुत्थान का वादा है, हमारी मृत्यु को सोना कहा गया है। 1 Corinthians 15:51 में लिखा है, स्लीप मींस यू आर गोना गेट अप, और मरने सोने का मतलब है कि एक ना एक दिन आप उठेंगे। आमेन, आमेन। सो दे लुक, दे आर स्लीपिंग बट दे आर इन हेवन। इसलिए हम देखते हैं कि वो सो रहे हैं पर वो सच में तो स्वर्ग में हैं। दे आर नॉट देयर इन द बॉडी, वो यहाँ पर शरीर में नहीं है। I know something which I'll tell which will offend you. और मैं जानता हूँ कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। Because many Christians are very emotional. क्योंकि कुछ मसीह लोग बहुत ही भावुक हैं। And 80% Christians live by the law. और 80% जो मसीह लोग हैं व्यवस्था में चलते हैं। That's why we cannot, you know, say like these messages. इसलिए ऐसे संदेश हम खुलेआम नहीं दे सकते। They become very emotional. वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। You know, if you see some very emotional Christians. यदि आप कुछ भावुक मसीहों को देखें। ऐसा कारण वो लॉ में है सोचने का, इतना सोच सकते हैं, बस छोड़ दो। जो ज़्यादा इमोशनल रहते हैं प्लस या माइनस के लिए, या वेरी सीरियस रह जाते हैं सब चीज़, तो उन लोग समझने का लॉ में है थोड़ा डेंजरस है उन लोगों को ज़्यादा टच करने का, तो ज़्यादा क्लियरली नहीं बोल सकते उनको, बिकॉज दे गेट ऑफेंडेड, क्योंकि उन्हें बुरा लग जाता है। आमेन, आमेन। वी कैन नॉट टॉक टू देम सो फ्रीली, हम खुलेआम उनसे बातें नहीं बोल सकते। That's why God brought grace very later on. इसलिए आगे चल के प्रभु ने कृपा लाई। That's why they hated Paul so much because he brought grace. इसीलिए वो लोग पौलुस से इतनी नफरत करते क्योंकि वो कृपा का संदेश लाया। Because those who don't know grace will be offended very soon. क्योंकि जो लोग कृपा नहीं जानते हैं उन्हें बहुत ही जल्दी बुरा लग जाएगा। They walk by emotions. वो भावनाओं से चलते हैं। You know, have you seen law Christians? ऐसे मसीहों को देखा है? Hello, चर्च में देखा है? उनका एक्टिंग सब देखा है तुमने? So, I don't want to offend you, but it is that way. ये ऐसा ही है। सीरियस बोलता बहुत ही सीरियस रहता है, रोया था बहुत कंटिन्यूस रोते रहता है, तो उनको समझाने का बहुत सबसे मुश्किल है। ओके, लेट मी गिव यू सम मोर पॉइंट देन आई विल, और कुछ मुद्दे दूंगा फिर समाप्त करेंगे। I don't know how to start with all this. मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कैसे शुरू करूँ। I know, you know, when a parent dies. और जब किसी के माता पिता मर जाते हैं। It becomes very difficult. तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। Because the parents were so close to us. क्योंकि माता पिता हमारे इतने करीब होते हैं। And it is right and appropriate and expected. That you grieve. और जब आप शोक मनाते हैं, दुख करते हैं, तो ये ठीक है। Even Christ wept at the grave of his friend Lazarus. जब यीशु का दोस्त लाजरस मरा, तब यीशु भी बहुत रोए। Though he knew he is going to raise him up. यीशु जानते थे कि वो उसे फिर से जिंदा करेंगे। It's a grief because they were with us. पर फिर भी वो शोक मना रहा था क्योंकि वो हमारे साथ थे। You know, they took care of us. उन्होंने हमारा ख्याल रखा। They were with us. वो हमारे साथ थे। They comforted us. उन्होंने हमें सांत्वना दिया। So all these reasons. We grieve. तो इन सभी कारणों के वजह से हम दुख मनाते हैं। But let us not grieve like the unbelieving. पर आइए हम अविश्वासियों की तरह दुख न मनाएं। Let me give one or two few points which is very important. और एक दो महत्वपूर्ण मुद्दे आपको दूंगा। This is what Holy Spirit said about grief. और यही पवित्र आत्मा ने दुख या शोक के बारे में बताया। We need to realize. हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। That when you grieve. कि जब आप दुख मनाते हैं। It's normal. तो ये ठीक है बात। A natural thing. ये एक आम बात है, समझी जा सकती है। But if you let it consume you. पर यदि यही दुख आप पर हावी हो जाता because है। Because there are some Christians who cannot come out. पर क्योंकि कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने दुख से बाहर नहीं निकल सकते। And because of that, the devil led them away from the Lord. और इसी कारण शैतान उन्हें प्रभु से दूर लेकर जाता है। I know there are some Christians who had so much grief. मैं जानता हूँ कुछ मसीह लोगों के मन में and anger, इतना गुस्सा था। Because the Lord didn't heal them. क्योंकि प्रभु ने उस व्यक्ति को आरोग्य नहीं दिया। I will come to that also. और वो भी बात मैं आपको बताऊंगा। That they left the church. कि उन्होंने कलीसिया छोड़ दी। They left reading the Bible. उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। That nothing to do with the Lord. उनका फिर प्रभु से कोई लेना देना ही नहीं था। The devil drove them away. शैतान उन्हें खींचकर दूर लेकर गया। If you don't catch to the word, यदि आप वचन से नहीं जुड़े हैं, if you don't anchor your soul to the word, यदि आप वचन अपने प्राण को वचन से नहीं पकड़ते, you will drift. तो फिर आप डूब कर चले जाएंगे. Like the boat in the sea, जैसे एक नाव
समुंदर में if we don't tie it यदि उस नाव को हम लंगर नहीं लगाते if we don't anchor it यदि हम उसे लंगर नहीं लगाते the waves will drift it तो जो नाव की जो समुंदर की लहरें हैं वो नाव को बहकर लेकर जाएगी amen amen if you don't tie your soul or anchor your soul to the word यदि वचन पर अपने प्राण के आप लंगर नहीं लगाते you'll be drifted तो फिर आप बहकर निकल जाएंगे that's why we have to be connected to the word इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा वचन से जुड़े रहें or better still holy spirit put it this way और पवित्र आत्मा ने इस तरह से बताया like an anchor you tie your soul to the word और एक लंगर से लंगर की तरह आप अपने प्राण को वचन से बांध के रखिए if you let it consume the if you let the grief consume you यदि आप शोक में या दुख में डूब जाते हैं to the point of despair इस हद तक कि आप बहुत ही निराश हो जाएं you know what holy spirit calls it पवित्र आत्मा इसे क्या कहता है it is sin ये पाप है hello it is called sin इसे पाप कहा जाता है why क्यों because you are not believing and trusting in god क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है कौन सा भी बात के लिए अगर तुम ज्यादा ग्रीफ करते हो ज्यादा रोना धोना करते हो ज्यादा कंप्लेन करते हो ज्यादा मर्मर करते हो इट इज सिन ये पाप है That's what the Lord told about the Israelites in the Old Testament. और यही बात परमेश्वर ने पुराने करार में इज़राइलियों के लिए कही। They are murmuring and complaining. God was displeased. That was sin. और परमेश्वर ने जब उनके कुड़कुड़ाने को शिकायत करने को देखा तो प्रभु बहुत ही नाखुश थे क्योंकि वो पाप कर रहे थे। And that is unbelief. और ये अविश्वास है। मतलब प्रभु बोलेंगे क्या मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मेरे पास है ना वो? तुमको विश्वास नहीं है? Though we grieve for ourselves more than for that person. जो चला गया उससे ज़्यादा हम खुद का सोच के दुख मनाते हैं। हाँ, बहुत बार इसलिए हम दुख करते हैं। अभी मेरे को कौन देखेगा? मेरे को कौन पैसा देगा? मेरा कौन काम करेगा? मेरा साथ कौन देगा? I don't want to offend you. मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता। But the truth is this. But सच्चाई यही है। We grieve because मेरा नुकसान हो। हम इसलिए मन में दुख रखते हैं क्योंकि उसके चले जाने से मेरा नुकसान हुआ है अभी मेरा कौन देखेगा मेरे को कौन संभालेगा मेरे को कौन कंफर्ट करेगा मेरा काम कौन करेगा सब अभी मेरे ऊपर आ गया इज अ रीजन बट येट इट इज ओके टू ग्रीव पर फिर भी ठीक है दुख मनाना बट डोंट गो बियॉन्ड पर उस दुख में डूब मत जाइए दैट इज अनबिलीफ वो अविश्वास है द वर्ड ऑफ गॉड सेज परमेश्वर का वचन कहता है दैट वी विल बी रीयूनाइटेड With that person in heaven. कि हम स्वर्ग जब जाएंगे तो फिर से उस व्यक्ति के साथ एक हो जाएंगे. Secondly, दूसरा, they are living an amazing life in heaven. और स्वर्ग में वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं. If God gives you permission, यदि परमेश्वर आपको इजाजत दे कि उनसे बात करे और उनको पूछे, please come no, they'll say no no, I am happy here. Hello. This is the truth I'm telling. ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ. After experiencing heaven, no one wants to come to heaven. स्वर्ग जाने के बाद कोई भी स्वर्ग जाने के बाद कोई भी धरती पर नहीं आना चाहता. तुम अगर पूछा, उन लोग बोलेंगे ना, हाँ ठीक है, मैं सब स्वर्ग छोड़ के मैं इस धरती श्रापित धरती पे आता. ऐसा नहीं बोलेंगे. वो बोलेंगे, I'm sorry, but तुम भी आ जाओ ना उधर, जल्दी काम खत्म करके आ जाओ. So let us understand the truth. इसलिए आइए हम ये सच्चाई समझें। It will free you. ये बात आपको आजाद करेगी। When you know the truth, it frees you. जब आप सत्य को जानते हैं, तो ये बात आपको आजाद करती है। Only when you don't know. पर जब आप सत्य नहीं जानते हैं। Or you doubt what you know. या जो सत्य आप जानते हैं, आप उस पर शंका करते हैं। You enter into bondage. तो आप बंधन में प्रवेश करते हैं। Amen. Amen. I have seen Christians grieving all the time. मैंने देखा है मसीह लोग दुख मनाते हैं। Lastly, though I have a big message for you. बहुत ही बड़ा संदेश लिखा था आपके लिए. You know what moves heaven and what makes heaven to celebrate? और स्वर्ग में ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा स्वर्ग आनंद मनाता है? क्या तुम करते हो कि heaven तुम्हारे लिए celebrate करता है या heaven तुम्हारे लिए खुश होता है? Do you know that heaven is watching you? क्या आप जानते हैं कि पूरा स्वर्ग आपको देख रहा है? But many have not made heaven to rejoice by the way they live. पर बहुत से लोग
लोग जिस ढंग से वो जीते हैं उनके जीने के ढंग से स्वर्ग खुश नहीं होता। Okay, I'll teach you next time. यदि वहाँ पर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। But this is just a small message. पर ये मृत्यु का थोड़े में मैंने आपको संदेश दिया है। One of the Sundays I'll teach you in depth. और एक रविवार को मैं गहराई में सिखाऊंगा। In fact, I told you I wrote a book on death. और इसके बजाय मैंने आपको बताया था कि मृत्यु पर मैंने एक किताब लिखी है। The second you die, what happens? The second you die. और जिस पल आप मरते हैं। What happens? क्या होता है? We hope we'll bring that book for you. और वो बुक लिखी है आप पढ़ सकते हैं। Let's all stand up. आप बैठ सकते हैं। दान अर्पण का समय है। हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। आप दान दे सकते हैं। यदि आप कैश नहीं लेकर आए हैं तो आप आगे आकर अपना कार्ड भी स्वाइप कर सकते हैं। प्रभु ने बनाया ये जग है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया ये जग है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। Mummy also died that time when I was a believer. और जब मेरी माँ मर गई तब मैं विश्वासु था। We were believers. हम विश्वासु थे। Mummy went home. और मेरी मम्मी स्वर्ग गई। We were very sorrowful. मैं बहुत ही दुखी हुआ। But we were not consumed with grief. पर हम दुख में डूब नहीं गए। Amen. Amen. So we need to react or respond based on the knowledge of God's word. इसलिए वचन के ज्ञान के अनुसार हमें प्रतिसाद देना चाहिए। Whatever we do which is not based with God's word, the devil can take advantage. और जो भी हम वचन के ज्ञान के अनुसार नहीं करते हैं, उस बात का शैतान गलत फायदा उठाएगा। Amen. Amen. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? Let's pray. आइए प्रार्थना। Father, we thank you for those who have given. पिता जिन्होंने भी दिया उन सभी के लिए धन्यवाद। Thank you, Father, their faith is working. धन्यवाद पिता, उनका विश्वास काम कर रहा है। Because by their doing, their faith works. क्योंकि उनके करने से उनका विश्वास काम करता है। So the blessing is working in their life. इसलिए आशीर्वाद उनके जीवन में काम कर रहे हैं। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Yeah. Are you happy with this message? क्या संदेश से आप खुश हुए हैं? You know, I have a very big message about this. In fact, I have written such a big book on death. मृत्यु को लेकर बड़ी मोटी किताब लिखी है। All the mysteries of death. मृत्यु को लेकर जो भी रहस्य about angels, how they take you. स्वर्गदूत कैसे आकर आपको लेकर जाते हैं। But I couldn't bring that book out. पर वो किताब में पब्लिश नहीं कर पाया। I think Shakana was doing something with that. You were putting it chapter wise. और एक-एक अध्याय लेकर वो बना रही थी शकाना। But I could add more because later on Holy Spirit gave more revelations. उसके बाद पवित्र आत्मा ने बहुत सारे प्रकाश दिए जो मैं उसमें जोड़ सकता था।
Do not let the devil put doubt. शैतान को अनुमति मत दीजिए कि वो आपके मन में शंका लाए. On the knowledge of the word that you have. जो वचन का ज्ञान आपके पास है उसको लेकर. Okay.